अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग बनाएंगे पोटैटो सैंडविचेस। ये मैंने आपके सामने पोटैटोज रखे हुए हैं बॉइल्ड में, इन्हें मैं मैश कर लूँगी और इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल करके, तो फिर हम ये मशीन मैंने गर्म होने के लिए रख दी हुई है, गर्म हो रही है। ये देखें आप, ऑन हो चुकी है, ये गर्म हो रही है। ये स्लाइसिस हैं, इन पर मैंने एक साइड पर बटर लगा के, ये देखें मैंने बटर लगा के रखा हुआ है, तो इसका ये सारा बैटर रेडी करके तो इसमें फिर हम लोग फिलिंग करेंगे और फिलिंग करके तो मशीन में सैंडविचेस बनाएंगे। पोटैटो हमारे मैश हो चुके हैं, इसमें अब हम ये डालेंगे सब्ज मिर्च है और प्याज है, ग्रीन चिली एंड ऑनियन जो है इन्हें हमने क्रश कर लिया है, इनको अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी नमक हसबे ज़रूरत अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अब इसमें जाएगी कटर मिर्च। कटर मिर्च डालते हुए आपने ये देख लेना कि आपने ग्रीन चिली ऑलरेडी ऐड की हुई है, उसका भी इसमें स्पाइस होगा, तो आप लोगों ने ध्यान से डालनी है ताकि बच्चे भी खा सकें। खुश्क धनिया है, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा पीसा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्रश नहीं किया हुआ, पाउडर फॉर्म में नहीं है, ये देखें कटर फॉर्म में है। अब हम डालेंगे ज़ीरा, और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब चीज़ें डाल के इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी सिरका, क्योंकि लीमू नहीं है मेरे पास, अगर लीमू होते तो फिर मैं लीमू डालती। ये वन लीड ऑफ सिरका, सिरके का जो अपना लीड होता है वही वाला मैंने डेढ़ लीड डाला है, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, आपको जितना जितनी ज़्यादा खटास आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप लोग डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम लोग मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद फिर हम लोग फिलिंग करेंगे। जी गाइस, अब हम इसके अंदर करेंगे इस बैटर की फिलिंग, ये देखिए जो इसे अच्छी तरह से कोनों तक स्प्रेड करना है। किनारों तक जाना चाहिए बैटर ताकि किनारे भी बुरे ना लगे। अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक चीज स्लाइस, और इसका ऊपर का स्लाइस हम रख देंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी रेडी करेंगे। ये टोटल आप पे है कि आप इसमें मजीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं वैसे यूजुअली इन्हें ना अंडे के साथ भी बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि अंडा यूज़ ना किया जाए सॉरी, इसीलिए मैं आज अंडा यूज़ नहीं कर रही हूँ, वरना मैं यहाँ पे अंडे की ऑमलेट अच्छी सी बना के तो फिर उसे इसके ऊपर एक लेयर अंडे की भी लगाती हूँ, वो भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
ये देखिए मशीन हमारी ऑलरेडी गर्म हो चुकी है, इसे हम ओपन करेंगे और इसके अंदर हम लोग ये लगा देंगे।